जी, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्लास फियर। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लास फियर हैं, डिफरेंट तरह की जो हमारे पास ग्लास फियर होती है हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें फ्लास्क आ जाती हैं, ट्यूब्स आ जाती हैं, सिलेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, कंटेंट्स हम देखते हैं, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखना है, टाइप्स ऑफ ग्लास देखनी है, लेबॉरेटरी ग्लास फेयर एंड इट्स यूजेस देखने हैं, क्लीनिंग मेथड ऑफ ग्लास फेयर जो है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ग्लास फेयर जो है बेसिकली होती क्या है, ग्लास फेयर एक लेबॉरेटरी ऐसा अपैरेटस होते हैं या हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स हैं जो हम लैब के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते होते हैं। मोस्टली जो चीज़ें लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं वो ग्लास की बनी होती हैं। ठीक है, वो हम जो है डिफरेंट कंटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट फंक्शन के लिए करते हैं, किसी भी सोल्यूशन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी भी लिक्विड्स की जो है प्रिपरेशन के लिए हम जो लैब के अंदर यूज़ करते होते हैं। मोस्ट लेबॉरेटरी ग्लास पर जो होते हैं उनको हम जो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बोरोसिलिकेट जो ग्लास होते हैं उससे उसकी प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, जो कि ड्यूरेबल ग्लास होता है, जो कि सेफली यूज़ किया जाता है केमिकल्स को होल्ड करने के लिए, हीट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह एसिडिक या क्रसिव केमिकल जो होते हैं उनको भी हम होल्ड करने के लिए यूज़ करते होते हैं। आगे नेक्स्ट है कि ऑल लेबॉरेटरी ग्लासवेयर शुड बी क्लीन इमीडिएटली, उनको इमीडिएटली उसी टाइम ही जो है हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हम किसी भी केमिकल्स को जो है उसके अंदर लगा रहेगा या रखा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ रिएक्शन शुरू कर देता है या वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें इमीडिएटली क्लीन करना लाजमी होता है। फिर है जी हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास होती हैं जो कि हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई थर्मल रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, हाई सिलिका ग्लास होते हैं, हाई अल्कली रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, लो एक्टिनिक ग्लास होते हैं, स्टैंडर्ड फ्लिंट ग्लास होते हैं या फिर सोडा लाइम ग्लास। जी इसकी टाइप्स हैं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाई थर्मल रेजिडेंट ग्लास। हाई थर्मल रेजिडेंट ग्लास बेसिकली क्या होते हैं, बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, जिसके अंदर अल्कली जो होता है हमारे पास सब्सटेंसेस उसका लो लेवल होता है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं हीट के लिए, क्रसिव एंड थर्मल शॉक, यानी कि इन चीज़ों के लिए, हीट क्रसिव एंड थर्मल शॉक के लिए जो है रेजिस्टेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो पैरेक्स की है, जो कि हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर और हीटिंग और स्टरीलाइजेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स वगैरह की आपने अगर स्टरीलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आप जो ग्लास यूज़ करते होते हैं वो पैरेक्स होती है। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। इसी तरह हाई सिलिका गिलास होता है, जिसके अंदर जो है 96% जो है सिलिका होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बनस्पत दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उसके। मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट गिलास बाई रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम सिलिका। ठीक है, सिलिका के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की रिमूविंग की जाती है। ये भी हीट स्टेबल गिलास होता है, जो कि यूज़ किया जाता है हाई प्रीसीजन एनालिटिकल वर्क के लिए। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफ्लेक्टर एंड मिरर्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि जो लैब के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो लैंप वगैरह होते हैं उसके लिए इस गिलास को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। हाई अल्कली रेजिस्टेंट गिलास होता है, जिसके ये बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ब्रोन फ्री गिलास होते हैं विद मच लेस थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड सॉफ्ट ग्लास, इसको हम सॉफ्ट ग्लास भी कहते होते हैं। इट मस्ट बी हीटेड एंड कूल वेरी केयरफुली, जब भी हमने इसको हीट करना है या कूल करना है इसको केयरफुली हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे कूल करेंगे। इट्स यूजेज शुड बी लिमिटेड टू प्रोसीजर वेयर स्ट्रॉन्ग अल्कली आर टू बी यूज। ठीक है, फिर है जी हमारे पास लो एक्टेन ग्लास होते हैं। लो एक्टेन ग्लास ऐसे होते हैं जिस जो कि एम्बर या रेड कलर जो है वो देते होते हैं, जो कि रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन को। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि लैब के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जो कि कलर रिजेंट होते हैं। ठीक है, कलर रिजेंट भी होते हैं, कलर केमिकल्स की भी हो सकते हैं, जो लाइट के पड़ने की मदद से क्या होता है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे लो एक्टिन ग्लास डिस्कस कर रहे थे, ये क्या होता है बेसिकली अंबर या रेड कलर देते होते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते थे अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड सब्सटेंसेस इन द ग्लास। बेसिकली हम मोस्टली जो है कलर रिजन जो लैब के अंदर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उनके ऊपर लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी विस्कोसिटी जो वो अपने जो ओरिजिनल फॉर्म होते हैं वो खो देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं हमारे पास अंबर कलर के या रेड कलर के हमारे पास जो ग्लास वेयर होते हैं वो हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, फिर है जी स्टैंडर्ड फ्लिंट ग्लास और सोडा लाइम ग्लास होते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेज ऑफ सिलिकॉन कैल्शियम एंड सोडियम, इनके बने होते हैं ऑक्सीडेज ऑफ सिलिकॉन के जो कैल्शियम या सोडियम के बने होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ग्लास बट इज़ लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड केमिकल्स। ठीक है, इन एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये लेस जो है रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए और केमिकल्स के लिए।
भी इसी तरह अब हम कौन कौन से इक्विपमेंट से होते हैं या अपरेटस होते हैं जो लैब के अंदर गिलास के यूज़ करते हैं, वो हैं सबसे पहले है बीरेट्स, है बीरेट्स हम यूज़ करते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म होती है गिलास पिपेट्स की, डिजाइन टू कंट्रोल डिलीवरी ऑफ अ रीजन ड्रॉप बाई ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप बाई ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। बीरेट्स हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 ml आर लेस आर कॉल्ड मैक्रो बीरेट्स होती हैं, इनका साइज जो है वो वेरी करते हैं 1 से लेकर 100 ml तक होती हैं, ये जो है हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। फिर है जी हमारे पास दूसरे नंबर पर टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब जो हैं बेसिकली डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे जैसे कि सेंटीफ्यूज ट्यूब्स होगी, राउंड बेस ट्यूब्स होगी, फ्लैट बेस ट्यूब्स होगी, ये जो है ये हम लैब के अंदर यूज़ करते होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ये भी बेसिकली क्या होते हैं, ग्लास की बनी होती हैं या फिर प्लास्टिक की बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायल्स हैं। वायल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो वायल्स होती है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट सैंपल कलेक्शन के लिए लैब के अंदर यूज़ करते थे, वो भी बेसिकली डिफरेंट क्लास की बनी होती हैं। वायल्स आर स्मॉल कंटेनर्स यूज टू होल्ड स्टोर लिक्विड सैंपल्स एंड सब्सटेंस, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सैंपल्स एंड प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन हो गया इनके। उसके बाद है बीकर्स होते हैं। बीकर जो हम बेसिकली वो भी किसी भी केमिकल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते होते हैं। बीकर की डेफिनेशन ये है कि एक बीकर इज़ अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर विद अ बॉटम एंड वॉल्स, द माउथ इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंसेस एंड हैज़ अ बीक ऑन वन साइड, ठीक है, जैसे कि फिगर में शो है। साइज वेरीज फ्राम 10 ml से 5000 ml तक होता है इनका, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीकर्स कौन कौन से, थिक विद स्लाइटली फ्लेयर्ड टॉप स्पोर्ट हो गया, हैवी ड्यूटी बीकर्स होता है, बीकर्स विद ग्लास हैंडल्स, बीकर्स विद डबल स्पोर्ट हो गया, हीट रेजिस्टेंट बीकर्स होते हैं, टेफ्लॉन बीकर्स होते हैं, पूरे प्रो पाइलिन बीकर्स होते हैं। ये हम जो है डिफरेंट बीकर्स होते हैं जो हम लैब के अंदर यूज़ करते होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। फिर है जी हमारे पास फ्लास्क होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लास्क होती है, ये भी ग्लास वगैरह की बनी होती है और ये हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करते होते हैं। ये ग्रेवी मेट्रिक फ्लास्क भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक भी ग्लास हो सकती हैं, ठीक है, ये जैसे कि फिगर में शो है। ये डिफरेंट टाइप की फ्लास्क होती हैं जो हम किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात करूँ तो उसमें हम क्या करते हैं, एगर वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी रिजन वगैरह की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते होते हैं। फिर है जी हमारे पास सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर भी बेसिकली हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक के या फिर ग्लास के बने होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, हैविंग अ माउथ इक्वल टू दियर इंटरनल डायमीटर, दीज आर यूज टू मेजर द क्वांटिटीज ऑफ रीजन्स एंड सॉल्यूशंस, इनका भी साइज़ जो होता है 10 ml से लेकर 5 L तक हो सकता है। इसी तरह ग्लास स्लाइड्स होते हैं, ग्लास स्लाइड्स भी हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये भी ग्लास की बनी होती है जो कि थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, ये लो रिफ्रैक्टिविटी रखती होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए हम ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं, स्टूल वगैरह का जो है स्लाइड देखने के लिए, यूरिन स्लाइड देखने के लिए हम स्लाइड्स वगैरह ये यूज़ करते होते हैं। फिर है जी ग्लास फनल एंड इट्स टाइप, डिफरेंट टाइप की जो फनल होती हैं हम वो लैब के अंदर यूज़ करते होते हैं, वो भी बेसिकली क्या होती हैं, किसकी बनी होती हैं, ग्लास की ही बनी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की फनल्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, डिफरेंट ग्लास की बनी होती है, जैसे कि बिचनर फनल होगी, सेपरेटरी फनल होगी, ठीक है, बिचनर फनल क्या होती है, फनल हैज़ अ प्लेट, परफोरेटेड प्लेट होती है एट द बॉटम एंड इज़ यूज टू कॉम्बिनेशन विद अ वैक्यूम फिल्ट्रेशन सेटअप टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह स्पिरेटरी फनल होती है जो कि नॉन एज अ स्पिरेटिंग फनल, दिस फनल हैज़ अ स्टॉप कोक एट द बॉटम एंड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड के लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। पाउडर फनल होते हैं जो कि पाउडर की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह लॉन्ग स्टीम फनल होती है जो कि एक तरफ से जो है क्या होती है कि दिस फनल हैज़ अ लॉन्ग नैरो स्टीम एंड इज़ यूज व्हेन यू नीड टू एडेड लीकेज टू अ कंटेनर विद अ स्मॉल ओपनिंग और नैरो नेक, ठीक है, इसकी नैरो नेक होती है और स्मॉल ओपनिंग होते हैं। इस तरह रिट्रोट होता है, ठीक है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के डिस्टिलेशन के लिए हम यूज़ करते होते हैं, ये भी बेसिकली गिलास का ही बना होता है। रीजन बोटल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की जो रीजन बोटल होती है वो हम लैब के अंदर यूज़ करते होते हैं, उनका मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है, उसके अंदर हम केमिकल जो है वो स्टोर करते होते हैं। रीजन बोटल्स आल्सो नॉन एज अ मीडिया बोटल और ग्रेजुएट बोटल, दिस बोटल आर यूज टू स्टोर एंड डिस्पेंस केमिकल्स आर रीजन सेफ्टी, बेसिकली अगर हम बात करें स्टेनिंग की बात करें, डिफरेंट टाइप की जो स्टेन होते हैं वो हम रीजन बोटल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टेन कलर उनका दिया जाता है, इसी वजह से जो है वो अंबर या रेड कलर की होती हैं बोटल, उनके अंदर हम उसको स्टोर करते हैं ताकि उनके ऊपर लाइट ना पड़े और वो अपनी जो एफिशिएंसी या जो अपनी वो इंपॉर्टेंस है वो लूज़ ना करें, ठीक है। इसी तरह कवर स्लिप हैं, ये भी ग्लास की बनी होती है और बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है, मिलीमीटर में इसकी थिकनेस होती है और 20 mm जो है वो क्या होती है, वाइड होती हैं। ये कवर स्लिप इस प्लेस अवर स्पेसिमेन ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, ठीक है, मीन टू से अगर आप यूरिन की कोई स्लाइड देख रहे हैं, अगर आप स्टोर की कोई स्लाइड देख रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आप स्लाइड बनाते हैं उसके ऊपर कवर स्लिप का होना लाजमी होता है। इसी तरह अगर आप कोई टिश्यू वगैरह है तो उसके लिए भी आप समटाइम जो है कवर स्लिप चूज़ करते होते हैं।
पहले डिशेज़ होती हैं, पहले डिशेज़ जो हैं बेसिकली हम मीडिया की प्रिपरेशन, मीडिया की पोरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते होते हैं। इसी तरह स्टीरिंग रॉड्स होते हैं। स्टीरिंग रॉड्स का जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट्स होता है जो बेसिकली किसी भी केमिकल्स की मिक्सिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते होते हैं। फिर है जी इक्विलोमीटर, इबिलोमीटर होता है। इबिलोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो कि यूज़ किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसका मेन पर्पस जो है वो यही होता है। इसी तरह फिर हमारे पास है जी क्लीनिंग मेथड है अब ग्लासवेयर के, कि हमने किसी भी ग्लासवेयर को क्लीन कैसे करना होता है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि उसको एट अ टाइम, उसी टाइम ही अगर किसी केमिकल के लिए आपने उसको यूज़ किया है तो उसको उसी टाइम ही आपको क्लीन करना लाजमी होता है। अगर वो ज़्यादा देर तक रखा रहेगा तो उसमें क्या होगा कि क्रसिव हो जाएगा या किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन या केमिकल जो है उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसके बाद में उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ग्लासवेयर जो है उसको हम किसकी मदद से यूज़ क्लीन करते होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट जो है वो डिस्पेंस करते होते हैं, जो कि बेसिकली वार्म वाटर के अंदर है। ठीक है, जो कोई भी डिटर्जेंट हो सकता है वो हम यूज़ करते होते हैं। रिंस द ग्लासवेयर इन टैप वाटर देन पुट इट इन अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट वन, एक घंटे के लिए हम उसको उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रश वगैरह के लिए जो है या स्क्रैबिंग करते हैं उस ग्लासवेयर की। और एक बात याद होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई निशान वगैरह या एब्रेशन वगैरह जो है वो नहीं आने चाहिए। उसके बाद है जी आपने क्या करना है, टैप वाटर जो होता है वो रिंस करना होता है, वाटर टू रन एंड टू ईच पीस ऑफ, इस तरीके से वो आपने पानी उसके ऊपर बहाना है कि वो उसका हार्ड पार्ट जो होता है इक्विपमेंट्स का वो अच्छे से वॉश हो जाए। ठीक है, ये बेचारा वाला प्रोसेस है वो 7 से 10 दफ़ा जो है वो आपने करना होता है। ठीक है, फिर है जी रिंस इन साइड एंड आउट विद द डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ग्लासवेयर में भी ड्राइड इन अ हॉट एयर ऑन। ठीक है, हॉट एयर ऑन 50 से 100 डिग्री के ऊपर जो है मोस्टली हम इसको क्या करते हैं ड्राई करते होते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी हम इसको ड्राई कर सकते होते हैं। ठीक है, फिर हम चेक एंड पे क्या करते हैं, चेक द ग्लासवेयर फॉर क्लीननेस बाई ऑब्जर्विंग ग्लासवेयर, मीन से इस तरीके से वो क्लीन होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई एब्रेशन वगैरह कोई केमिकल्स वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अगर लगा होगा तो आप अगर कोई नेक्स्ट मीडिया जो है वो प्रिपेयर करें तो उसमें जो है उसकी जब मिक्सिंग होगी मे भी हो सकता है वो उसके लिए ना लाजमी हो, फिर वो जो एरर का बहस बनता है या रिजल्ट हमारे जो है उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें क्लीनिंग ऑफ पेपर्स की जा रही है। फिर आगे है जी कि आपने पेपर्स की जो है क्लीनिंग कैसे करनी है, इमीडिएटली आफ्टर यूज़ प्लेस द पेपर्स इन अ स्पेशल पेपर्स कंटेनर दैट हैज़ एनफ वाटर इन इट टू कम्प्लीटली कवर द पेपर्स। ठीक है, उसमें इतना वाटर होना चाहिए कि उसमें जो है वो आपकी पेपर जो है वो कम्प्लीटली डिप होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस देम इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर रखना चाहिए। फिर है कि सोप फॉर 30 मिनट्स हो गया। फिर उसके ऊपर जो है टैप वाटर जो है वो रिंस करना होता है, रिमूव ट्रेसेस ऑफ द क्लीनिंग सोल्यूशन रिन 2 to 3 times इन अ डीआयनाइज्ड वाटर। ठीक है, डीआयनाइज्ड वाटर उसके ऊपर क्लीन रिंस करना है, ड्राइंग इन अ हॉट एयर ऑन के अंदर। ठीक है, फिर है क्लीनिंग डाइल्यूटिंग पीपेट्स, उसमें आप क्या करते हैं डाइल्यूटिंग पीपेट मीन टू से कोई आप केमिकल्स वगैरह जो के लिए यूज़ किया है तो उसमें क्या करते हैं इमीडिएटली जो है अपने वाटर जो है वो यूज़ करना होता है। फर्स्ट क्लीन विद टैप वाटर विद द डिस्टिल्ड वाटर, फाइनली रिंस विद इधर अल्कोहल और एसीटोन्स हो गए। ठीक है, फिर है क्लीनिंग फोटोमेट्री कीवेट्स होते हैं, कीवेट्स हाँ बेसिकली इसकी बात करें कीवेट्स जो होती हैं मशीन के अंदर, समटाइम ऐसा होता है कि मशीन के जो पाइप होते हैं वो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उसमें क्लॉग फंस जाता है जिसकी वजह से वो ओवर वाटर करती है, ओवर वाटर करती है जिसकी वजह से हमारी जो कीवेट्स वगैरह होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं उसको वॉश करते हैं, उसके लिए हमें जो है एक इस तरीके से उसको वॉश करनी चाहिए कि उसके ऊपर स्क्रैप वगैरह नहीं आना चाहिए, कोई एब्रेशन वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर एब्रेशन वगैरह आएंगी तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि जब लाइट पास होती है तो वो एब्रेशन की वजह से वो लाइट से पास नहीं होगा, आपके रिजल्ट में एरर आ सकता है। इसको इमीडिएटली जो है वो यूज़ वॉश करना चाहिए। ठीक है, फिर है जी इमीडिएटली आफ्टर यूज रिंस द विद टैप वाटर एंड फिल विद अ माइल्ड डिटर्जेंट सॉल्यूशन एंड प्लेस इन अ स्पेशल टेस्ट ट्यूब रैक, रिंस विद अ टैप वाटर एंड फाइनली विद डिस्टिल्ड वाटर, ड्राई इन अ मीडियम हॉट ऑन। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली जो है इसका क्लीनिंग है फोटोमेट्री क्यूवेट्स, फोटोमेट्री की मशीन हो गई जो आप फोटोमेट्री यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू, ये हमारा आज का लेक्चर था।